असर भारत और पाकिस्तान संबंधों पर पड़ेगा और हम ये ना भूलें कि अगला एक साल भारत में सियासी तौर पर राजनीतिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील वक्त है। बड़ी बातों के लिए सीधे रुख करेंगे अमांद्रा का। बिल्कुल अभिसार, अब तक के रुझानों के मुताबिक लगता है इमरान खान के सर सजेगा पाकिस्तान का ताज, क्योंकि इमरान खान का प्रधानमंत्री बनना तय लग रहा है। अब तक के रुझानों में उनकी पार्टी लीड ले रही है, इमरान की पार्टी सबसे आगे है लेकिन बहुमत से दूर है। 121 सीटों पर उनकी पार्टी पीटीआई को बढ़त मिली हुई है। नवाज की पार्टी दूसरे नंबर पर है, बिलावल की पार्टी तीसरे नंबर पर है। हाफिज सईद की पार्टी का खाता भी नहीं खुला, यानी वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया आतंकी हाफिज सईद की पार्टी को। पाकिस्तान में कल चुनाव हुए, नतीजे शाम से ही आने शुरू, गिनती शाम से शुरू हुई। इमरान की पार्टी को 121 सीटों पर अब तक के रुझानों के हिसाब से बढ़त मिली हुई है लेकिन बहुमत से दूर है। नवाज की पार्टी को 58 सीटों पर बढ़त मिली है, बिलावल की पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। इमरान खान का पीएम बनना लगभग तय लग रहा है क्योंकि उनकी पार्टी ही सबसे आगे है, हालांकि बहुमत के आंकड़े से दूर है। अब देख लेते हैं तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, प्रमुख कैंडिडेट्स हैं, उनकी पार्टीज को कितने वोट मिले। इमरान खान की पार्टी 121 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है, नवाज शरीफ की पार्टी 58 सीटों पर आगे है तो बिलावल भुट्टो की पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। अभिसार, शुक्रिया, शुक्रिया अमांद्रा आपका। इमरान खान, जी हाँ, एक नेता, एक खिलाड़ी, एक रंगीन मिजाज शख्सियत। पाकिस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री के कई रूप हैं, तो आइए पाकिस्तान की सियासत में आज सबसे बड़ा चेहरा बने इमरान खान की 25 कहानियां देखते हैं।